बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल एस के फिलॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, थैंक यू। आज का हमारा सफ़र दीर लोअर से स्वात कालाम तक है। हम घर से तकरीबन 9:30 बजे को रवाना हुए थे। हमारा ये सफ़र बहुत एडवेंचर होने वाला है क्योंकि हम ये सफ़र बाइक पर करने वाले हैं। अगर आप बाइक पे लंबा सफ़र करते हैं तो मेरा ये एडवाइस है कि आप हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि हमारा जो हल हुआ था वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। दीर से लेकर कालाम तक का रोड माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और A1 रोड है। जब हमने स्वात मिंगवरा से थोड़ा सफ़र किया तो खूबसूरत और दिलकश नज़ारे स्टार्ट होना शुरू हुए और हवा भी ठंडी हुई। स्वात और बहरीन में ट्रैफिक ज़्यादा थी, लेकिन बाइकर्स को ट्रैफिक में क्या प्रॉब्लम, एडवांटेज तो ही है हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुआ है और ये अब हम मदयन, ये अब मदयन है तो इंशाल्लाह इतना रास्ता बाकी नहीं है कालाम को। अबाउट 38 किलोमीटर रास्ता बाकी है। अभी हम थोड़ा रुके हैं पानी पीने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह आप इसमें बर्फ़ डाला गया हो। अगर वो भैया की करना है वो हो रही है। हाँ करना सही है, सही है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, ये ऊपर पहाड़ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, चेक पोस्ट है इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। बख्शुपुर पर कम लगे स्वाद के लिए, स्वाद के लिए बख्शुपुर पिशावर न रहा है। एंजॉय हुआ बाइक के गाड़ी के जस्ट एंजॉय राशा मर गई तब तक कम देना रखा जी खजानी है डब कम से गिरा। हाँ पिशावर ने हाँ संग सूरज बतेरा हुआ जाता सो बद्री हो रही। हाँ संग एंजॉय मुख लगने पर आ रहे रात में कलर आ रहा वंश हो बराबर दे। हमने इस सफर में 3 दिन गुजारे हैं, इसलिए मैंने 3-4 व्लॉग बनाए हैं। बहरीन से कालाम तक का सफर हमने अबाउट 1.5 घंटे में तय किया है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है, इसलिए हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए ताकि आप लोगों को भी दिखाएं कि कैसा है ये ब्रिज। जी तो अभी हम पहुँच गए हैं बहरीन। ये आपको सामने दिख रहा है वो एक नया पुल है, वो अभी मेरे ख्याल में नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। मैं पहले भी यहाँ आया था लेकिन इस तरह ब्रिज में नहीं देखा था। तो अब हम उसको क्रॉस करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इस तरह गया नहीं, वो क्रॉस नहीं किया मैंने। और ये नीचे आपको दिख रहा है ये दरिया जो है बिल्कुल साफ सीधा पानी, इस तरह लग रहा है कि मतलब बिल्कुल ग्रीन सा लग रहा है पानी का कलर, बिल्कुल क्लीन होने की वजह से बिल्कुल ग्रीन हो गया है। दरियाई स्वाद, ये दरियाई स्वाद, ये दरियाई स्वाद।
और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊपर पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ भी ऊपर भी घर है, ऊपर उस ऊपर जगह भी घर है, पता नहीं लोग कैसे जाएंगे वहाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अभी कलाम रास्ता जो है, अभी हम पहुँचे नहीं कलाम, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, तो ज़्यादा नहीं है। अभी हम उस ब्रिज को पार करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। चलो 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 ब्रिज के पास चलो। ये स्टील का बना है मेरे ख्याल में, स्टील ब्रिज, बहुत ही जबरदस्त है यार। नीचे दरियाए स्वात, ऊपर ब्रिज, वहां तक पहुंच जाएंगे कि वहां क्या है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग। तो बहुत ज्यादा हिल रहा है, रावड़े डकी की ना तो मक्खिशा सा ना उन सा, बहुत ज्यादा हिल रहा है। तो हम आराम से जाएंगे, गिरता तो नहीं है लेकिन वैसे हिल रहा है, तो लोग इसके वजह से डर जाते हैं। वो सामने देख रहे हैं आप, जब ये ब्रिज नहीं था तो लोग इस चीज में ऊपर दरिया को क्रॉस करते थे, बहुत ही रिस्की है। अभी ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है तो माशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ब्रिज है। और इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मैं बता नहीं सकता आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, शायद आप लोग मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहे हो। अब हम उस जगह जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त नजारा है, तो बहुत जबरदस्त पसंद। मैंने सोचा कि चलो चलते इसके पास, आप लोगों को भी दिखाएंगे, जो कुछ भी हम देखेंगे वो आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं कलाम और खाना नहीं खाया है हमने, बस सुबह नाश्ता किया उसके बाद हमने खाना नहीं खाया, तो अभी हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको कलाम कैसा है, ठीक है।